हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दिवाली की एकदम खास रेसिपी, जिसे बनाकर आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। और फ्रेंड्स, बनाने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। एकदम देखिए, बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो चलिए फटाफट रेसिपी हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने ना लिया है सूजी। यहाँ पर जो आपको इस्तेमाल करना है, यहाँ हम सूजी से बनाएंगे इस रेसिपी को। अब देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी सूजी ले लेनी है, मोटी हो या फिर बारीक हो। अगर मोटी सूजी हो तो आप क्या करना कि मिक्सी ग्राइंडर जार में डालना और उसको चला लेना, वो खुद ही बारीक हो जाएगी। तो देखिए, मेरे यहाँ पर थोड़ा सा मोटा वाला सूजी है, तो मैं इसको बस मिक्सी ग्राइंडर जार में डालूंगी और इसको पीस लूँगी। 2 से 3 बार आपको चलाना है, खुद ब खुद इसका पाउडर तैयार हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ये बारीक हो जाएगा। अब देखिए, जो भी आपको मेजरमेंट करना है ना, बस एक कटोरी आप सेट कर ले घर का उसी से। तो देखिए, ये जो मैंने कटोरी सेट किया है, तो देखिए ये जो दोनों कटोरी है मेरा, दोनों एक ही है। मैंने इसमें सारा सूजी को डाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो इससे मैं 2 कटोरी सूजी यूज करने वाली हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने पीस लिया है, तो दोनों कटोरी को हम अच्छे से पीस लेंगे सूजी को। अब देखिए, जिस कटोरी से आपने सूजी लिया है उसी से हम सारा मेजरमेंट करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपने 2 कटोरी सूजी लिया है, तो 3/4 कप यहाँ पर देखिए चीनी लेना है आपको, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम आपको चीनी लेना है। 2 कप सूजी और यहाँ 3/4 कप चीनी आपको लेना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आधा कप दही लिया है। यहाँ पर आपको जो दही यूज करना है, बिल्कुल फ्रेश दही यूज करना है, खट्टा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर बस मैंने आधा कप दही लिया है। अब यहाँ पर देखिए, 1/4 कप यहाँ पर आपको तेल लेना है। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 1 चुटकी खाने वाला सोडा जो होता है, बस मैंने वो लिया है। 1 ही चुटकी लेना है आपको, ज़्यादा नहीं। ये यहाँ पर तुरंत इजीली मार्केट में मिल जाता है खाने वाला सोडा, अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से ना इसको पीस लेना है। ये देखिए, हमें फेंटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर आपने क्या करना है ना कि बस 2 से 3 बार मिक्सी आपको चला लेना है, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर आपको मिल जाएगा। तो बस ये देखिए, मैंने 1 कप सूजी उस टाइम डाला था शुरू में, और देखिए 2 कप सूजी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल ही परफेक्ट मेजरमेंट है। यहाँ पर आप 2 कप सूजी लें, उसी हिसाब से सारा मेजरमेंट कर लें, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लगने वाला नहीं है। इसी स्मूथ बैटर में हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आपको ज़्यादा ना, मतलब प्रेस करके आपको जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे नहीं करना है, बस हल्के हाथों से आपको इकट्ठा कर लेना है। अब देखिए, आप चाहें तो सूजी को फूलने के लिए छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सूजी जो है पानी ऑब्जर्व करती है। या फिर अगर आपको लग रहा हो कि बिल्कुल अच्छे से ये हो जाएगा तो आप ऐसे ही कर लें, वरना आप आधे घंटे के लिए सूजी को फूलने के लिए छोड़ दें। अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है ना आपको कि बस इस तरीके से लंबे कर लेना है। और अब यहाँ पर ना हम एक शेप देने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप, चारों तरफ हमें बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर की तरफ से आपको ना इस तरीके से उठा लेना है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंड्स डिजाइन बनकर तैयार होगा। ये देखिए, आप जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करिएगा, एकदम परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब देखिए, इस तरीके से हो गया ना, तो आप चाकू से कट कर सकते हैं इस तरीके से। बस ऐसे ही आपको कट कर लेना है और आपको ना एक त्रिभुजाकार शेप मिलकर तैयार हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बता रही हूँ त्रिभुजाकार आपको वैसे ही करना है। मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई और भी तरीके से। ये देखिए आप, बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाकर रेडी कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपको लगे ना कि मिक्सचर जो है हमारा हल्का सा गीला टाइप जैसा है, क्योंकि हमने दही चीनी वगैरह डाला है, तो इसमें आपको दिक्कत थोड़ी बहुत आ सकती है, तो आप क्या करिएगा कि फ्रिज में इसको डाल दें, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो आप इसको कट कर सकते हैं। वैसे आप जैसे मैंने बताया है मेजरमेंट बिल्कुल वैसे बनाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए आप, है ना फ्रेंड्स, कितना देखने में एकदम अच्छा लग रहा है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे ना कि इसको हम तलने वाले हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल पहले से गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर आपको सारे जो हमने अभी बनाए हैं पीसेस, सारे को हमें इसमें डाल देना है कढ़ाई में। अब देखिए, यहाँ पर आपको ना बस छोड़ देना है ऐसे ही, फिर 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर आपको एक एक करके हल्के हाथों से ना पलटना है। ध्यान रहे, ये हमने सूजी का बनाया है, तो बस ये टूट भी सकती है पलटने में, तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको पलटना है।
और देखिए यहाँ पर ना बस 5 से 6 मिनट टाइम लगेंगे और बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके का कलर आ जाए तो आपको कढ़ाई से निकाल लेना है एक्स्ट्रा तेल। यहाँ पर आप इसको टिश्यू पेपर पर या फिर सामान्य नॉर्मल जो पेपर आता है उस पर भी रख सकते हैं। एक्स्ट्रा जो तेल रहेगा वो ऑब्जर्व हो जाएगा, या तो आप किसी जाली वाले बर्तन पर रख दें, बिल्कुल कुरकुरा खस्ता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही करके ना आपको सारे पीसेस बनाकर तैयार कर लेने हैं, तलकर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए मैंने सारे को बनाकर तैयार कर लिया। फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं कितना देखने में, मतलब इसका लुकिंग देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, और देखने में और खाने में फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी है। आप इस दिवाली ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, यकीन मानिए जब आप मेहमान को खिलाएँगे तो सब मतलब इसी की तारीफ़ करेंगे और सब पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया। ये देखिए आप इसे देखिए मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। और जब इसको खाएंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद में ये हल्का सा कुरकुरा जैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।